हे गाइस, तो बहुत टाइम बाद आया हूँ। बहुत टाइम बाद व्लॉग मैंने फिर से रीस्टार्ट किया है। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो अभी चलते हैं, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, जैसे आपने देख ही लिया होगा प्रीव्यू में आज क्या होना है। तो चलते हैं आज प्रीत विहार के लिए। एंड बिफोर दैट मैं छोटी सी चीज़ बोलना चाहता हूँ कि है क्या, किस चीज़ के बारे में हम क्यों प्रीत विहार जा रहे हैं। तो इट्स जस्ट अ स्मॉल इवेंट, इट्स बीन प्रेजेंटेड बाय मालाबार ज्वेलर्स। तो बहुत बड़ी ज्वेलरी कंपनी है जो आपने सुना ही होगा हाल ही में। और वहाँ पे हम लोग का एक इवेंट है जो साथ में हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं विद आवर कंपनी विद देम। सो उनके साथ कोलैबोरेशन है, वो अपना एक काइंड ऑफ फैशन शो ये लोग अपना करवा रहे हैं। एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ इट्स देयर 1 ईयर एनिवर्सरी ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। बस यार, मतलब बहुत टाइम बाद भी मैंने व्लॉगिंग चालू करी है, तो सोचा आज एक गुड नोट पे चालू करते हैं। एंड या लेट्स कंटिन्यू, और बीच बीच में बात भी होती रहेगी। सो चलो चलते हैं। तो गए, सो लेट्स सी हाउ इट गोस। मजा आ रहा है, एक्साइटेड। भाई जगह तो बहुत बड़ी है, अच्छी लग रही है। एंड कहा जाए तो मतलब ऑर्गेनाइज तो अच्छा किया, बाकी लेट्स सी हाउ वेल इट गोस ड्यूरिंग दी ऑल द शो, मतलब पूरे शो में क्या होने वाला है। सो लेट्स सी, देखते हैं एंड टिल देन मजा करते हैं। One eternity later. हाँ तो भाई घर वापस आ गए, और जैसे कि आपने देखा इवेंट कैसा रहा, इट वॉज एक्सट्रीमली मैग्निफिसेंट। एंड बहुत मज़ा आया, और बहुत ज़्यादा एक नया एक्सपीरियंस था जो हमें मतलब वी गॉट दी अपॉर्चुनिटी टू यू नो टू जस्ट टू गेट दैट एक्सपीरियंस कि कैसा ऐसे टाइप की इवेंट्स कैसे होते हैं। मतलब नॉट बीन एज अ पार्ट ऑफ अ यू नो एज अ क्राउड, बट बीइंग एज अ पार्ट ऑफ अ ऑफ एन ऑर्गेनाइजर। तो ऑर्गेनाइजर की तरफ से क्या व्यू पॉइंट्स होते हैं, तो वो सब हमें देखने को मिला। एंड बाय द वे बहुत ही अच्छा गया इवेंट। और
आपको कुछ फर्क पड़ रहा होगा, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि आप ये सोच रहोगे कि क्वालिटी में क्या कुछ फर्क आ रहा है या नहीं, बट एक्चुअल में क्वालिटी में फर्क तो आया है, एंड इट्स जस्ट दैट कि आपको पता नहीं चलेगा कि क्या फर्क है। तो अभी जैसे मैं दिखा देता हूँ कि अभी मैंने रिकॉर्ड किया है अपने, जो ये फोन है वो है S20 FE, सैमसंग गैलेक्सी S20 FE, और ये वाला है मेरा नया फोन है। एंड कौन सा नया फोन है वो मैं बता देता हूँ। सो द फोन विच आई एम होल्डिंग दिस वन इज द iPhone 12। यस, मैंने आईफोन खरीद लिया है, एंड दिस वन इज द S20। तो कैमरे में तो बहुत फर्क है, एंड ऑब्वियसली यू गेट टू नो दैट हाउ मच द क्वालिटी हैज बीन अपग्रेडेड बाय यू नो सच अ बिग मार्जिन। एंड बाय द वे, आई एम शूटिंग विद द फुल HD इन अ 60 FPS गेन, यानी कि 1080p में 60 FPS पे। तो लो लाइट पे देख लो कैसा क्वालिटी आ रहा है। एंड मैं थोड़ा और लाइट के पास में कर लेता हूँ, गाड़ी के पास ही हूँ, गाड़ी में ही बैठा हूँ, तो गाड़ी के पास हूँ, गाड़ी में बैठा हूँ, तो क्वालिटी में देख लो क्या डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एंड इट्स जस्ट दैट कि आईफोन जो है वो बहुत ही अच्छी लाइटिंग पकड़ रहा है कि मैं अच्छे से मैं अपना फेस दिखा सकूं। यही देखा जाए S20 FE में तो थोड़ा मतलब वाइटिश है, बट चेहरा तो ये भी पकड़ पा रहा है, बट आईफोन में क्या है थोड़ा मतलब एक रियल इमेज दिखा रहा है, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है आईफोन में। तो इसको आईफोन को रोक देता हूँ। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, एंड यस मैंने आईफोन खरीद लिया है, एंड इट्स बीन अ वाइल मैंने आईफोन को खरीद लिया है, बहुत टाइम हो गया मेरे को खरीदे हुए, एंड थोड़ा बहुत क्वालिटी में फ़र्क आ गया है। एंड एक्चुअली द मेन रीज़न फॉर बाइंग दिस फोन वॉज टू जस्ट टू गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ पिक्चर्स एंड वीडियोज़, और वही चीज़ आईफोन डिलीवर करता है इफ़ यू बाय एनी आईफोन। एंड यस, आप लोग सोचोगे, बहुत क्वेश्चंस आएंगे कि मैंने iPhone 12 क्यों लिया, वाई नॉट 13, वाई नॉट 14 एंड 14 सीरीज एंड ऑल, या 13 सीरीज एंड ऑल, या 12 सीरीज एंड ऑल। तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, और रीज़न क्या है वो मैं शायद से मैं आईफोन पे कवर करूँगा अगले वीडियो में। और यस, थोड़े टाइम मैं बिल्कुल ही अनअवेलेबल था, बट नाउ आई एम कमिंग बैक विद द यू नो जस्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस इन दिस न्यू वे। तो अच्छा लगा एक्सपीरियंस, एंड या कमिंग बैक टू द वीडियो, ये वीडियो आएगी, आईफोन का भी आएगा, एंड बस ईगली वेट कर रहा हूँ। एंड ऑफ कोर्स आई एम वेटिंग फॉर ऑल योर कमेंट्स, ऑल योर लाइक्स एंड ऑल योर शेयर्स कि कैसा आपको वीडियो लगेगा। तो बस आज इसको अच्छे नोट पे आज व्लॉग को मैं एंड करता हूँ। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना सबके साथ, एंड सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना जो कि इधर है, एंड मेक श्योर दैट यू क्लिक द नोटिफिकेशन बेल टू, ताकि आप मेरी वीडियो टाइम पे देख पाओ, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके दिमाग में सस्पेंस बना रहे। और फॉर एनी सजेशंस और या फिर कुछ भी आपको बोलना हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो बेझिझक कि क्या बोलना चाहते हो क्या नहीं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, एंड अंटिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट टाइम।